नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AVPS क्लासेज पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आप लोग की यूपी टेट 2019 कॉमन अंकों को लेकर आज की जो सुनवाई थी, यहाँ पर सुनवाई आपको बता दी कि समाप्त हो चुकी है। क्या आपके यूपी टेट 2019 कॉमन अंकों को लेकर आज की डेट में सुनवाई को लेकर फैसला आया है? तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आपको डिटेल सा देने वाले हैं। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप लोग की कॉमन अंक सुनवाई को लेकर आज की डेट में क्या फैसला हुआ है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको यूपीटेट नोटिफिकेशन या फिर आपको कॉमन अंक को लेकर जो भी अपडेट आए अपने चैनल से आपको ऑफिशियल अपडेट मिलती रहे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और मित्रों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए आपका टाइम न वेस्ट कर सीधे टॉपिक लिए चलते हैं, पूरी जानकारी आपको बता देते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो बिल्कुल ऑफिशियल टेलीग्राम AVPS क्लासेस चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे। वहां पर दोस्तों आपको डेली न्यूज पेपर के माध्यम से जो भी ऑफिशियल जानकारी आती है डेली आपको सुबह सुबह मिल जाएगी। तो आप जितनी भी न्यूज होती है यहाँ पर आप इस ग्रुप में आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए और आपके लिए कॉमन अंकों को लेकर या फिर आपके यूपीटेट नोटिफिकेशन को लेकर जो भी ऑफिशियल अपडेट आती है सबसे पहले यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी टेलीग्राम पर। तो आप लोग अभी डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों देर किस बात की, अभी आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार यादव आप लोगों को एक सूचना ये देना चाहता हूँ कि जो अपना उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो विचाराधीन मामला माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है उस मामले को लेकर आज सुनवाई थी और सीरियल नंबर 31 पर था जिसमें कि कोर्ट में सिर्फ 8 नंबर तक फाइलें ही टेकअप हो पाई हैं, उसके बाद कोई फाइल टेकअप नहीं हो पाई है। इसलिए अपनी 31 पे थी तो फाइल टेकअप नहीं हो पाई है। संभवतः आज के बाद जो भी लाइकली डेट शो करे इलाहाबाद हाईकोर्ट के साइट पर उस पर उसे चेक कर लिया जाएगा। फिलहाल अभी कुछ क्लियर नहीं है कि नेक्स्ट डेट क्या है और कब तक संभावना है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपका लेखपाल बनने का सपना है तो यहाँ पर चक्षु प्रकाशन आप लोग के लिए राजस्व लेखपाल की भर्ती परीक्षाओं के लिए संपूर्ण पाठ्य पुस्तक सब कुछ आपको इस बुक में मिलने वाली है। इसमें सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य विज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास, समसामयिक की सारी चीज कवर की गई है इस बुक में। यहाँ पर आपको सॉल्व पेपर मिलेगा, साथ ही यहाँ पर 1200 महत्वपूर्ण प्रश्न के यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और दोस्तों इस बुक की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये बुक एक्सपर्ट के साथ तैयार किया गया है और ऐसे क्वेश्चन को तैयार किया गया है जो कि लेखपाल भर्ती में आने की ज्यादा उम्मीद है। दोस्तों इसके साथ आपको 3 और बुक मिल जाएगी, उत्तर प्रदेश ग्राम समाज विकास की, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की और उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल संपूर्ण गाइड बुक, आपको तीनों मिल जाएंगी। आप बड़े आसानी से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस बुक का, आप वहां से परचेज कर सकते हैं या फिर घर बैठे आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देर किस बात की, अगर आपका सपना है लेखपाल बनने का तो अभी जाइए इस बुक को परचेज कीजिए और अपने लेखपाल बनने का सपने को साकार कीजिए। आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वाले जो विवादित प्रश्नों वाला मैटर है, इस मैटर पे आयोग की तरफ से काउंटर और हम लोगों की तरफ से जो रिजवाइंडर पेश किया गया है उस मामले पे फिलहाल आज सुनवाई जो थी और सबकी फाइलें एक साथ लगी हुई थी, तो उस पे जो भी नेक्स्ट सूचना होगी वो हम आप लोगों को ऑडियो या मैसेज के माध्यम से बता देंगे, जैसा भी होगा। धन्यवाद।